ये मेरी बहन के पीछे पीछे करते हैं, और जिसकी वजह से मेरी बहन ने जहर खा लिया है, जो जेल एन एच अजमेर में भर्ती है, जिसके हमारे टीम द्वारा उसका मेडिकल मुआयना करवाया गया, लेकिन वो बयान देने की योग्य स्थिति में नहीं थी। ऐसे में जिन पे आरोप लगाया गया था, उसे व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार करके जेल से कराया गया। बिनाय थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग ने इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग को नाजायज परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण नाबालिग ने जहर खा लिया। आज इलाज के दौरान बालिका की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि परिजनों द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने की भी जानकारी दी गई है, जिसके अंतर्गत आरोपियों के खिलाफ 376 का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने शिकायत दी थी कि मेरी बहन के पीछे पीछे करते हैं, और जिसकी वजह से मेरी बहन ने जहर खा लिया है, जो जेल एन एच अजमेर में भर्ती है, जिसके हमारे टीम द्वारा उसका मेडिकल मुआयना करवाया गया, लेकिन वो बयान देने की योग्य स्थिति में नहीं थी। ऐसे में जिन पे आरोप लगाया गया था, उसे व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार करके जेल से कराया गया। आज उसकी जेल एन एच अजमेर में जहर इलाज डेथ हो गई है, तो इतला पर यहाँ पहुँचे हैं। उसके परिवारजनों ने 376 की रिपोर्ट दे रहे हैं, जिसपे 300 एड की जाएगी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा जाकर परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बिना सिदरिया का मामला है, इसमें क्या हुआ कि तेजुराम और कानाराम ने इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, तो इसने इज्जत डाउन होने के हिसाब से इसने पॉइजन खा लिया। 15 वर्ष बहन है मेरी छोटी, ये लगभग 2 महीने से हो गए। इसने क्या उन्होंने क्या किया कि इनको ऑडियो वायरल करने की धमकी थी थी, तो इसको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश पूरी थी, और इसको क्या है साथ और इन लोग उनको 50,000 देकर भगाने की कोशिश में थी। बिल्कुल, आज हम आए हैं, बिनाय थाना क्षेत्र का मामला है। 15 साल की बच्ची थी जिसके साथ रेप केस हुआ है, बलात्कार हुआ है। बलात्कारी कानाराम बिनाय थाना क्षेत्र का ही है, और उसका सहयोगी तेजू, जिसने उसके सहयोग से मतलब कि बच्ची के साथ बलात्कार रहा। कानाराम मेन बलात्कारी है, और बच्ची ने डर के मारे पॉइजन खा लिया था, घर की इज्जत खराब नहीं हो। उस बच्ची आज बच्ची का देहांत हो गया, और इन्होंने परिवार ने पहले मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें तेजू को खाली गिरफ्तार करा 354 की धारा में, और वो तो आज मतलब कि बाहर भी आ गया है। मेन मुख्य हमारा एक ही मांग है हिसाब से, बिनाय थाने से हिसाब से, कि बच्ची का मेडिकल हो और रेप केस की पुष्टि होती है तो तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए, और बलात्कारी पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको सजा दिलाई जाए। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे, स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग, यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।